दोस्तों हाल ही में पंजाब के कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बदमाश को गुरुग्राम पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बदमाश गुरुग्राम में हुई फायरिंग के मामले में वांटेड चल रहा था। तो बताते हैं आपको पूरी जानकारी, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। दरअसल दोस्तों गुरुग्राम के पंचगांव चौक के डिस्कवरी वाइन ठेके पर हुई गोलीबारी मामले में गुरुग्राम पुलिस की क्राइम ब्रांच सेक्टर 39 ने गोली चलाने वाले मुख्य आरोपी दीपक नागर को उसके एक साथी करमवीर के साथ गिरफ्तार कर लिया है। वारदात के बाद पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी पर 50,000 रुपए का भी इनाम घोषित किया था। इस पूरी वारदात में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम सामने आया है और बताया जा रहा है कि दोनों को गुरुग्राम के गड़ोली गांव से देसी कट्टा व 3 जिंदा कारतूस के साथ काबू किया है। वे किसी और वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। वारदात के बाद दोनों पुलिस से बचने के लिए पंजाब और हरियाणा के कई इलाकों में छिप रहे थे और मौके पर गोलीबारी करने वाले दीपक नागर का साथी सौरव अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर चल रहा है। दरअसल दोस्तों पूरा मामला कुछ ये था कि गुरुग्राम के पचगांव चौक स्थित डिस्कवरी वाइन ठेके पर 16 जून 2023 को तकरीबन 15 राउंड फायरिंग की गई थी। इस फायरिंग में लॉरेंस गैंग के 3 बदमाश इन्वॉल्व थे। इन 3 बदमाशों में से 2 बदमाशों ने शॉप पर फायरिंग की थी, जबकि 1 बदमाश इनको बाइक पर लेकर आया था। इस फायरिंग में 3 कस्टमर को गोलियां लगी थी, जिसमें 1 कस्टमर की तो मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि 2 कस्टमर घायल हो गए थे। वारदात के बाद से ठेकेदार को विदेशी नंबरों से कॉल कर धमकियां दी जा रही थी और ये धमकियां कोई और गैंगस्टर नहीं दे रहा था, बल्कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का कुख्यात गैंगस्टर लिपिन नेहरा दे रहा था, जो कि विदेश में बैठा हुआ है और वहीं से अपनी गैंग को लीड कर रहा है। वो चाहता था कि इस वाइन शॉप को अपने पिता के नाम कर दूं। दोस्तों ACP क्राइम वरुण दैया ने बताया कि दीपक नागर ने ही अपने साथी सौरव के साथ मिलकर शराब ठेके पर गोलीबारी को अंजाम दिया था। दीपक नागर गुरुग्राम के तिगरा गांव का रहने वाला है और पुलिस ने इस वारदात के बाद से उस पर 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया हुआ था। दीपक नागर वारदात के मास्टरमाइंड लिपिन नेहरा के भाई पवन नेहरा का खास आदमी है। दोस्तों दीपक नागर के साथ जो एक और साथी गिरफ्तार हुआ है वो चरखी दादरी का रहने वाला है और वह गैंग को फाइनेंशियल तौर पर मजबूत करने का काम करता है। ACP ने बताया कि जब गैंगस्टर पवन नेहरा सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के तहत जेल चला गया तो उस वक्त उसका भाई लिपिन नेहरा विदेश में बैठकर उसकी गैंग को चला रहा था और उस लिपिन नेहरा के कहने पर ही दीपक और सौरव ने इस वाइन शॉप पर गोलीबारी की थी। तो गुरुग्राम में वाइन शॉप पर हुई फायरिंग में इन 3 बदमाशों में से 1 बदमाश तो शुरुआत में ही गिरफ्तार हो चुका है, जिसके बाद ये 2 बदमाश वांटेड चल रहे थे। इनमें से दीपक नागर को अभी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, बाकी सौरव नाम का बदमाश अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पुलिस द्वारा बताया गया है कि जल्द ही उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस प्रकार लॉरेंस गैंग के 2 बदमाशों की अभी तक गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। तो आप क्या सोचते हैं इन 2 बदमाशों की गिरफ्तारियों को लेकर, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।